अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमन जोन। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ चिकन मायो बॉल्स की रेसिपी। और ये रमज़ान स्पेशल है तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स ले लिया है बॉइल्ड चिकन और इसके मैंने श्रेडेड कर दिया है। और इसमें मैं कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे ले लिया है रेड, येलो और ग्रीन कैप्सिकम, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया, और स्मॉल साइज़ की एक कैरेट जिसे मैंने ग्रेटेड कर दिया है। तो ये वेजिटेबल्स मैंने इसमें मिक्स कर ली है। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑरेगानो, 1 टीस्पून और सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। वैसे तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून मायोनीज भी आप कम या ज़्यादा ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो और भी ज़्यादा मायोनीज ले सकते हो। वैसे 3 टेबल स्पून इनफ है 200 ग्राम्स चिकन के लिए। यहाँ पे मैंने ले ली है ब्रेड और इसकी किनारी मैंने इस तरह से कट करके निकाल दिया है। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में ज़रूर बनाइए और अपनी फैमिली के साथ में इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे हमारी ब्रेड की स्लाइस रेडी हो गई है। अब हम इसे प्लेन वाटर में इस तरह से डीप करेंगे और प्रेस करके सारा पानी निचोड़ देंगे। बस हमें हाथ से इस तरह से दबाते हुए ब्रेड का सारा पानी जो है निकाल देना है। तो यहाँ हमारी ब्रेड रेडी हो गई है। अब इसमें हमने जो फिलिंग रेडी की है वो रखेंगे सेंटर में और चारों कोनों से हम इसे इस तरह से जोड़कर बॉल की शक्ल दे देंगे। बहुत इजीली, क्योंकि ब्रेड भीगी हुई है तो बहुत इजीली ये बाइंडिंग हो जाती है। बस ये ध्यान रखना है कि कहीं से वो खुली ना रहे। अगर कहीं से क्रैक या ओपन नज़र आए तो आपको प्रेस करके इसे पैक कर देना है ताकि फीलिंग बाहर ना निकले। तो इसी तरह सारे बॉल रेडी कर लेंगे हम। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है वाइट ब्रेड क्रम्ब। और इसमें हम सारे बॉल को जो है कोटेड कर देंगे ये ब्रेड क्रम्ब के साथ में। अच्छी तरह से चारों तरफ से घुमा घुमा के हमें ब्रेड क्रम्ब लगा लेना है। बिल्कुल इस तरह से। और हमारे ब्रेड बॉल्स जो है चिकन बॉल्स रेडी हैं तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल और मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब हमें इसे पलट देना है।
तो यहाँ पे हमारे बॉल्स, चिकन बॉल्स जो है रेडी हो चुके हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे और इसे हम सर्व करेंगे सॉस के साथ में। तो व्यूअर्स, आज की मेरी ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।